यह आदमी घरेलू सहायिका के रूप में उपयोग करने के लिए एक जादुई गुड़िया ऑनलाइन खरीदता है और फिर निर्देश पुस्तिका के अनुसार वो गुड़िया को बनाने के लिए 15 मिनट के लिए पानी में भिगो देता है और फिर उल्टी गिनती सेट करने के बाद यह आदमी चुपचाप परिणाम की प्रतीक्षा करता है। पानी के लिए नई फिल्म गुड़िया एक विद्युतीकृत की तरह है और फिर गुड़िया बनने होने लगती है और उसका शरीर धीरे धीरे फैलने लगता है, फिर वो धीरे धीरे मानव शरीर में परिवर्तित हो जाती है। उसकी त्वचा नवजात शिशु की तरह गुलाबी होती है और फिर उसके शरीर में बाल उगने लगते हैं। फिर खूबसूरत लंबे बालों वाली एक जवान लड़की की खूबसूरत आकृति पानी पर तैरती है। अब 15 मिनट हो चुके हैं जबकि आदमी अभी भी कीट नमूनों पर अपने शोध में डूबा हुआ होता है। वो भूल जाता है कि अभी भी एक फिल्मी गुड़िया थी जिसे उसने अभी अभी बाथटब में डाला था। फिर फैली हुई हथेलियों और चेहरे वाली गुड़िया पानी से बाहर निकलती है। वो अपने आप पानी से बाहर निकलती है और फिर कदमों की आहट सुनने के बाद आदमी झटके से सिर घुमाता है और फिल्मी गुड़िया हाल ही में एक जवान लड़की में बदल जाती है। इस शख्स का नाम झांग गुओंगसियांग है। इस गुड़िया को ऑनलाइन खरीदने का मकसद घर का काम कराना है। वो फर्श धोने, खाना पकाने और झाड़ू लगाने के लिए जिम्मेदार है। मूल रूप से उसने इसे सिर्फ एक कोशिश देने की मानसिकता के साथ खरीदा था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि माल बिल्कुल विज्ञापन के रूप में आएगा और फिर वो न केवल घर का काम कर सकती है बल्कि मालिक से चैट भी कर सकती है क्योंकि उसका अपना मन होता है। वो अपने मालिक का अच्छे से ख्याल रखती है। फिर आदमी ने यूई के लिए नए कपड़े खरीदे और उसे व्यक्तिगत रूप से पहनाया। क्या यह अच्छा है? आदमी एक तकनीकी विशेषज्ञ है जो 30 वर्षों से अविवाहित है। वो आमतौर पर कीट नमूनों का अध्ययन करना पसंद करता है। यूई की उपस्थिति ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। पहले एक साथ मनोरंजन पार्क में जाना प्यार की तरह मीठा होता है, फिर रात में घर में आदमी का पसंदीदा अंग्रेजी गाना बजाना और नाचना होता है। यूई आदमी के किसी भी अनुरोध का पालन करती है। आदमी उससे प्यार में पड़ जाता है, लेकिन आदमी अब यूई को एक नौकर के रूप में नहीं मानता है जो केवल घर का काम कर सकती है, और वो आदमी का भावनात्मक सहारा बन गई है। उसके मैनुअल में ये भी लिखा है कि यूई को बार बार पानी से नहाना पड़ता है, इससे उसकी त्वचा वास्तविक व्यक्ति जैसी ही रह सकती है। फिर आदमी ने उसकी त्वचा को बनाए रखने के लिए इंटरनेट से एक और आवश्यक तेल खरीदा, लेकिन जैसे ही वो इसे उसकी पीठ पर लगाता है तो उसकी त्वचा में जलन होने लगती है। फिर आदमी ने तुरंत सर्जेंका को ढूंढ लिया और पूछने के लिए एक संदेश छोड़ दिया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसने मैसेज डिलीट कर दिया क्योंकि उसने प्यारी सी एक अंक को देखा जिसका नाम योयो होता है। आदमी ने उसे लंबे समय पहले ऑनलाइन पसंद किया था, यहाँ तक कि उसके कपड़ों की दिखावट भी योयो के मेजबान के अनुसार अनुकूलित है, इसलिए वो बहुत समान दिखते हैं। अगले दिन आदमी ने व्यक्तिगत रूप से योयो को ढूंढा और कहा कि मैंने आपसे यह आवश्यक तेल खरीदा है और इसे रगड़ने से उसकी त्वचा गलने लगी है, लेकिन महिला ने कहा कि वह इसके बारे में नहीं जानती। और फिर योयो का रवैया आदमी को निराश करता है। उसने न केवल जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा बल्कि उसे जोर से लात मारी और फिर जल्दी से मुड़ी और चली गई। फिर आदमी तड़पता हुआ जमीन पर पड़ा रह गया। घर लौटने के बाद उसने और उसके सबसे अच्छे दोस्त ने आदमी को फंसाया। मेरे द्वारा पेश किए गए आवश्यक तेलों में क्या गलत है? वो मुझे परेशान करता रहता है। महिला हमेशा की तरह शाम को प्रसारण करती है, फिर वह जल्दी करती है और पुलिस को कॉल करती है। फिर अचानक उसे चक्कर आता है और वह टेबल पर गिर जाती है। फिर महिला के पीछे एक नकाबपोश आदमी दिखाई देता है। फिर अरोफारो ने योयो को सबके सामने अगवा कर लिया और फिर पुलिस को रिपोर्ट मिलती है। निगरानी की जांच करने पर ये पाया गया कि आदमी और योयो के बीच दिन के दौरान संघर्ष हुआ था। जांच करने के लिए आदमी का दौरा किया गया, लेकिन उसने अपहरण के मामले से इनकार किया और पुलिस के पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि लुटेरा वह आदमी है। फिर कुछ दिनों के बाद पुलिस को जंगल में योयो का शव मिलता है और हत्यारे का डीएनए मृत व्यक्ति के नाखूनों से निकाला गया और तुलना के बाद यह आदमी के डीएनए से मेल खाता है और वह उसे तुरंत गिरफ्तार करने पहुंचे। हालांकि आदमी ने फिर भी इससे इनकार किया। फिर पुलिस को वो अंग्रेजी गाना मिलता है जिसे हत्यारे ने अपने कमरे में अपराध करते समय गुनगुनाया था, और यह सभी यह साबित करने के लिए काफी है कि आदमी कातिल है। आदमी ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया और सहयोग करने से इनकार कर दिया। फिर विवाद के दौरान पुलिस ने गलती से यूई को धक्का दे दिया और उसका सिर सोफे पर जोर से टकराता है और उसके चेहरे के आधे हिस्से की बेतरतीब विकृति बनती है, और यह पुलिस ने देखा तो हैरान रह गई, और वो वर्तमान में आदमी को गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन दहशत में आदमी ने पुलिस से बंदूक छीन ली और अपहरण का कातिल नहीं होने पर जोर दिया। उसकी भावनाएं पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर जाती हैं। फिर पुलिस ने पिस्टल निकालकर उसे गोली मार दी। इसे देखने के बाद यूई ने आदमी के शरीर को तुरंत अवरुद्ध कर दिया और गोली उसके सीने में लगी और वो जमीन पर गिर पड़ी। फिर उसके घाव से खून नहीं बल्कि पानी निकलता है और उसके अंग धीरे धीरे लंगड़ा और विकृत होने लगते हैं। फिर आदमी ने यूई के पानी वाले घाव को पकड़ लिया और उसे मरने से रोक चाहा, लेकिन यूई फिर भी बच नहीं पाए
और आदमी ने तब से उस व्यक्ति को खो दिया है जिसके साथ उसने जीवन में सबसे खुशी का समय बिताया था। अतीत के हसीन नज़ारे उसकी आंखों के सामने तैरने लगते हैं। फिर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद आदमी ने हमेशा अपना दोष स्वीकार करने से इनकार किया। पुलिस को दोष सिद्ध करने के लिए और भी सबूत मिलते हैं। यूई के लिए स्पष्टीकरण के लिए आदमी ने कबूल किया कि उसने एक रहस्यमय शॉपिंग वेबसाइट पर फिल्म डॉल खरीदी थी, लेकिन वो अब इस वेबसाइट तक नहीं पहुंच सकता। वास्तव में ये रहस्यमय वेबसाइट पुलिस की गुप्त जांच का भी प्रमुख उद्देश्य है। कई पीड़ितों ने कहा है कि उन्होंने यहाँ से सामान खरीदा है और पुलिस को शक है कि यह वेबसाइट भविष्य की हो सकती है, क्योंकि अंदर बेचे जाने वाले उत्पादों को तकनीक के मौजूदा स्तर पर निर्मित नहीं किया जा सकता। एक मंद रोशनी वाले किराए के घर में असली कातिल टीवी पर न्यूज देख रहा है और मेज पर कई पीड़ित एंकरों और उनके द्वारा छोड़े गए गहनों की तस्वीरें हैं और बैग के अंदर सुअर के चेहरे का नकाब है जो अपराध के दौरान पहना गया था। जब नकाबपोश लुटेरे अपना असली रंग दिखाते हैं तो यह एक ऐसा व्यक्ति निकला जो बिल्कुल आदमी जैसा दिखता है और वो उस अंग्रेजी गाने को सुनते हुए कमरे में एक लंबी विग लगाकर डांस करता है और यूई के साथ खूबसूरत पलों को याद करता है।